जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में अध्यक्ष पद से कौशल बिरखानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में एबीवीपी अध्यक्ष प्रत्याशी और पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। अपने संबोधन में कौशल बिरखानी ने कहा कि वे कॉलेज की विभिन्न समस्याओं जैसे पार्किंग, सफाई व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी दावेदार रश्मि लमगढ़िया को चुनाव में उनके साथ खड़े होकर चुनाव लड़वाने की भी अपेक्षा की है। वहीं एबीवीपी नेता ने टिकट बेचने के आरोप पर कहा कि ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है, केवल कुछ छात्र ही टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एबीवीपी महाविद्यालय में कई पदों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एबीवीपी अध्यक्ष भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा संगठन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई पैसे देकर कोई टिकट, ऐसा कोई, ये बिल्कुल गलत बात है ये, और ये बिल्कुल तथ्य गलत हैं। और संगठन में देखो, हमारी जो दूसरी लड़की है जो कार्यकर्ता है वो भी कार्यकर्ता थी हमारी, वो भी काम करती थी, और दूसरा जो कैंडिडेट जो अधिकृत प्रत्याशी हुए कौशल बिरखानी जी, वो भी काम करते हैं। संगठन ने जो सामूहिक निर्णय लिया है कि कौशल बिरखानी के नाम पर जो अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, और हम सब लोग, अब हम संगठन के जितने भी दायित्वान कार्यकर्ता हैं सब कौशल बिरखानी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2017 से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट, ये तो संगठन का निर्णय है। ऊपर से सब पूरा संगठन एक साथ मिलकर निर्णय लेता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बात करके टिकट हो जाता है, तो इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि पैसे लेने का वो औचित्य नहीं है।